संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों का रुख किया है। इसी कड़ी में अब संक्रमित इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को कोरोना मुक्त करने के लिए एक पखवाड़े से पूरा सरकारी तंत्र जी जान से लगा हुआ है। इसकी शुरुआत प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के मनोहरपुर से की थी। उनकी इस पहल और मॉडल को WHO ने भी सराहा है और योगी मॉडल को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की सिफारिश भी की है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश की फायर सर्विस को भी लगाया गया है, जिसमें आज मुरादाबाद सदर ब्लॉक से जुड़ी ग्राम पंचायतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान ने सरकार के इस कार्य की सराहना की है। सुभाष चंद, सुभाष जी आप यहाँ पर क्या हैं? सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत इस्लाम नगर और ब्लॉक मुरादाबाद। आज आपके गांव में जो ये सैनिटाइजिंग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा हमारे गांव को यहाँ सैनिटाइजर किया गया था, जिसमें कुछ अधिकारी यहाँ मौजूद थे। तो कितने मतलब पूरे गांव को किया गया है, गलियों को किया? पूरे गांव की गलियों को भी और जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, उन सबको ही किया गया है। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई है जहाँ सैनिटाइजर नहीं किया गया। बबलू सिंह सैनी, आप यहाँ पे क्या वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं? जी सर। आपके गांव में आज जो सैनिटाइजिंग किया गया है, ये किसकी टीम के द्वारा किया गया है? सर ये फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या कुछ अधिकारी भी उनके कुछ हाँ, अधिकारी मौजूद थे? कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद थे और साहब ये सभी गाँव में मतलब उन्होंने साथ रह के कराया है। तो इसमें क्या मतलब किस किस जगह को सैनिटाइजिंग किया गया है? ये सब पूरे हर ही जगह पूरी गलियों को ही कराया गया, मेन रोड को भी, सब जितने भी धर्म स्थल हैं यहाँ पर, मस्जिद है, मंदिर है, सभी को कराया गया। कोई भी गली ऐसी नहीं रही जो इस्लाम नगर ग्राम पंचायत में नहीं हुई है। देखिए, जो 2020 से एक वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा ही संसार ग्रस्त है, उसमें हमारा भारतवर्ष भी पीछे नहीं रहा है। तो हमारी जो टीमें हैं, फायर सर्विस की टीमें हैं, हमारी मुरादाबाद की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की टीमें हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन का कार्य अगर कहीं नगर है तो नगर निगम के सहयोग से, और अगर कहीं देहात क्षेत्र है तो जिला पंचायत के सहयोग से हमारे जो अग्निशमन वाहन हैं उनका प्रयोग हम सैनिटाइजेशन में कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के निर्देश हुए हैं, सरकार के निर्देश हुए हैं, आज जो इस्लाम नगर गाँव है इसमें हमारी टीम सैनिटाइजेशन करने के लिए आई थी। ग्राम जो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं वो भी साथ में हैं, और वो जो इस तरह के संक्रमित लोग हैं उनके बारे में वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी को हम अकेले नहीं रोक सकते हैं। इसमें हमारा हर विभाग का, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर नागरिक का सहयोग जब होगा तो तभी हम इसमें नियंत्रण कर पाएंगे। उसी के तहत आज ये ग्राम इस्लाम नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसमें हमारे प्रधान जी क्या नाम है? बबलू सिंह सैनी हैं, और ये इन्होंने बताया कि किधर किधर करना है, तो हमारी टीम द्वारा ये सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।